वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी की इस लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले लेक्चर में, जो कि मेरा लेक्चर नंबर 12 होने वाला है, इसमें मैं टाइप 5 के प्रॉब्लम सबसे डिस्कस करने वाला हूँ। टाइप 4 तक के प्रॉब्लम्स लेक्चर नंबर 11 पर ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, डिस्कस किए जा चुके हैं। इस पर आपको टाइप 5 के प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो आपको पहले शुरू के 11 लेक्चर्स पूरे देख कर आने चाहिए, तब उसके बाद ये 12वां लेक्चर आपको रन करना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि इस 12वें लेक्चर की हेडिंग है टाइप 5 मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है मिला जुला कर पूरा। तो अब मैंने टाइप 4 तक आपको जो सिखाया था ना, वो टाइप 5 में मैं आपको मिला जुला कर पूरा बताने वाला हूँ। मतलब अब इसमें कोई नया पैटर्न नहीं होगा, जो ऑलरेडी सिखा चुका हूँ उसी के ही एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे। आगे बात पकड़ में, तो यहाँ से अब मेरा प्रोबेबिलिटी का एडवांस लेवल स्टार्ट होने वाला है टाइप 5 से, जो कि मिसलेनियस होगा। तो आपको वीडियो नंबर 11 तक पूरा अच्छे से देख कर आ जाना चाहिए, उसके बाद 12 देखना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन इस वाली लेक्चर सीरीज में। मैंने वीडियो नंबर 11 में आपको एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क अभी यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन पर आंसर मेंशन कर दिया होगा। क्वेश्चन क्या था पहले ये सुन लो। वीडियो नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क था। वो क्वेश्चन सुन लीजिए क्या था। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इन एनी बायस्ड डाइस, बायस्ड का मैंने बताया था इसका मतलब होता है अनफेयर। लिखा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग के इस के टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन। क्वेश्चन में बोल रहा था, जिनके पास क्वेश्चन ना हो क्वेश्चन देख कर आइए, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सुनिए। क्वेश्चन में कहता है वीडियो नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग के इस के टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन, तो फिर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग के इस के टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू, अगर मेरे को टू लाना होगा तो मैं लिखूंगा टू टाइम्स ऑफ पी ऑफ वन। अब के तो कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, 1, 2, 3, 4 जैसे भी कुछ भी लिखा जा सकता है, तो मैंने के की जगह पे टू सोच लिया। तो इससे क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू इज टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन। मतलब ये कि दो आने की प्रोबेबिलिटी एक आने की प्रोबेबिलिटी की डबल है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री इज थ्री टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं तो। K की जगह पर 2 पुट करके देख रहा हूँ, K की जगह पर मैं 3 पुट करके देख रहा हूँ, वैसे ही अगर मैंने 4 पुट किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इज 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज 5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 6 इज 6 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। अरे पकड़ में, तो ये बता रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन में गिवन थी उसको हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, हम लोग को क्या पता है भाई क्वेश्चन में, हम लोग को पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसका मतलब कि पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3 प्लस पी ऑफ 4 प्लस पी ऑफ 5 प्लस पी ऑफ 6, ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। डाइस में यही 6 नंबर्स होते हैं, जिसका सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये लिख सकता हूँ कि बच्चे देखो, तो पी ऑफ 2 की जगह पर, पी ऑफ 2 की जगह पर ट्वाइस ऑफ पी ऑफ 1 लिख सकता हूँ क्या, पी ऑफ 3 की जगह पर थ्राइस ऑफ पी ऑफ 1 लिख सकता हूँ क्या, वैसे ही 4 टाइम्स ऑफ पी ऑफ 1, 5 टाइम्स ऑफ पी ऑफ 1, 6 टाइम्स ऑफ पी ऑफ 1 मैं लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही पी ऑफ 1 कॉमन निकल जाएगा तो क्या दिखाई देगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन 6 तक दिखाई देगा, ठीक है ना। तो जब आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 को जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू आती है 21। तो इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/21। क्या बोलते हो, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/21। अब बोल रहा था क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी दैट टू फाइंड एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऑड नंबर क्या क्या होते हैं, ऑड नंबर होता है पी ऑफ 1, पी ऑफ 3, पी ऑफ 5, ठीक है। तो पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1/21, अभी अभी निकाला था। पी ऑफ 3, पी ऑफ 3 के लिखूंगा 3 टाइम्स ऑफ पी ऑफ 1, मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ 1/21। पी ऑफ 5, पी ऑफ 5 में लिखूंगा 5 टाइम्स ऑफ पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 के वैल्यू 1/21, तो 5/1/5/1/5/21। तो जैसे इसको ऐड करूंगा तो हो जाएगा 9/21, तो हो जाएगा 3 3 जा 3 7 जा। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/7। ये वीडियो नंबर 11 का अपना होमवर्क था, आपको ये पहले देखकर आना चाहिए। ओके, अब मैं इस वाले वीडियो पर नए वाले क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, एक बार इसे इत्मीनान से आप देख लीजिएगा, कंफर्टेबल। चलिए
चलते हैं इस वाले वीडियो के, मतलब टाइप 5 के मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 पर, सुनते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए बी एंड सी इज 1/2, 1/3, 1/4 रिस्पेक्टिवली। If all of them try to solve the problem independently, find the probability that the problem will be solved. मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। तीन स्टूडेंट हैं, तीन इंसान हैं, ए बी और सी। वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है 1/2, 1/3, 1/4। मतलब ये कि ए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। बी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। और सी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। ये सॉल्व कर लेने की प्रोबेबिलिटी है। अब हमने क्या किया, उन तीनों को अलग अलग बैठा दिया, मतलब कि किसी एक को यहाँ बैठाया, दूसरे को वहाँ बैठाया, तीसरे को वहाँ बैठाया, ऐसे इंडिपेंडेंटली अलग अलग बैठा दिया। इंडिपेंडेंटली वर्ड का मतलब ये था, ठीक है। और उन तीनों को ही एक प्रॉब्लम दे दी सॉल्व करने के लिए, कि भाई आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आप भी इसी वाली को करो, आप भी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो तीनों को एक ही प्रॉब्लम दे दिया सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे इस बात की प्रॉबिलिटी क्या होगी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बतानी है। तो प्रॉब्लम विल सॉल्व, प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, प्रॉब्लम विल सॉल्व, प्रॉब्लम कब सॉल्व मानी जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व तब मानी जाएगी जब उस प्रॉब्लम को ए सॉल्व कर दे, चाहे उस घड़ी बी और सी न कर पाए। तो मैं बार लगा रहा हूँ इसके ऊपर, ये जो बार लगा रहा हूँ उसका मतलब ये कि वो नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ए ने तो सॉल्व कर दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व मान ली जाएगी ना। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है इसलिए प्लस, कि भाई ए ना कर पाए, बी सॉल्व कर दे और सी भी ना कर पाए, तो आपकी प्रॉब्लम अगर बी ने सॉल्व कर दी, चाहे ए और सी ना कर पाए, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व मानी जाएगी ना। वैसे ही प्रॉब्लम ए भी ना कर पाए और बी भी सॉल्व ना कर पाए, सोचो सी सॉल्व कर दे, तब भी तो प्रॉब्लम सॉल्व मानी जाएगी ना। लेकिन ये भी हो सकता है कि ए और बी दोनों सॉल्व कर दे, भले सी ना कर पाए। मतलब ये सोचो कि आपने एक प्रॉब्लम ए को सॉल्व करने दी, उसने सॉल्व कर दिया, और वही प्रॉब्लम बी को सॉल्व करने दी, उसने भी सॉल्व कर दिया, दोनों का सेम आंसर आ गया, तब तो आप और कंफर्म हो जाओगे ना कि हाँ यार दोनों का सेम आंसर है, मतलब सही प्रॉब्लम सॉल्व हुई है ना। भले सी ना कर पाया हो, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। वैसे ही हो सकता है कि जैसे ए और बी कर गए, सी ना कर पाए, तो अगले वाले केस में क्या हो सकता है कि ए और सी कर जाएं, बी ना कर पाए। ये हो सकता है फिर अगले केस में कि बी और सी कर जाएं, ए ना कर पाए। लेकिन फिर एक और केस हो सकता है कि तीनों ही कर जाएं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसके और भी कई पॉसिबल केस हैं अभी, सीनार समझ में। फिर इन सारे पॉसिबल केस को जब मैं सॉल्व करके ऐड करूँगा, तो मेरे को अपना प्रॉब्लम विल सॉल्व के सारी पॉसिबिलिटी पता चल जाएगी और वही मेरा आंसर बनेगा। लेकिन आप बात को समझो ना, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा केस बनाकर इसको सॉल्व करना थोड़ा लेंदी नहीं हो गया क्या, सीनार समझ में। तो ये तरीका सही है, गलत नहीं है, लेकिन लेंदी है, जिसकी वजह से मैं इस वाले तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व पेपर में तो नहीं कर सकता भाई। पेपर में समय कहाँ होगा मेरे पास, मुझे गिवन टाइम में काम पूरा करना होता है ना। तो इसी पर्पज से, इसी वजह से क्या होगा कि हम लोग इसे ऐसे नहीं बनाएंगे। गॉट इट, तरीका सही था लेकिन लेंदी था। तो हम लोग क्या करेंगे ये सोचो आप, प्रॉब्लम सॉल्व कब मानी जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व तब मानी जाएगी जब उन तीनों में से कोई भी एक सॉल्व कर दे, या कोई दो सॉल्व कर दे, या तीनों के तीनों ही सॉल्व कर दे, प्रॉब्लम सॉल्व मैं मान लूंगा। मतलब ये हुआ कि इफ एटलीस्ट वन विल सॉल्व देन प्रॉब्लम विल सॉल्व। अगर उन तीनों में से कम किसी एक ने भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तब तो मैं मान लूंगा ना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एक्सेप्ट करते हो, फिर चाहे दो सॉल्व कर दें, फिर चाहे तीन सॉल्व कर दें, लेकिन कम से कम एक ने तो कर दी ना, मतलब प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व मान ही लूंगा। आइडिया एक्सेप्टेड। तो ये एटलीस्ट वन वाली जो कहानी है ना, ये इसके पहले मैं आपको सुना चुका हूँ। आप इसके पहले वाले लेक्चर में पूरा सुन कर आइए अगर आपने मिस किया है अभी तक। तो एटलीस्ट वन इज इक्वल टू क्या होता है, एटलीस्ट वन होता है टोटल माइनस जीरो। एक्सेप्टेड। अब नाउन देखो क्या है, नाउन है मेरा विल सॉल्व, तो यहाँ पे जीरो के साथ में लिख दो विल सॉल्व, ये मैं आपको सिखाया हूँ उसके पहले। गॉट इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब उतना बड़ा करने के बजाय मैं ये अप्लाई करूँगा। ये क्या कन्वे कर रहा है भाई, ये कन्वे ये कर रहा है कि आप चाहते हो कि उनमें से कोई भी एक कम से कम अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो उसके लिए आप लगाइए टोटल माइनस जीरो विल सॉल्व। टोटल माइनस जीरो विल सॉल्व कन्वे ये कर रहा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से एक वो केस जिसमें तीनों ही सॉल्व नहीं कर पाते होंगे, बस वही वाला केस मैं हटा देता हूँ।
तो जब बचेंगे उन सारे केसेस में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती होगी। बात आ गई समझ में? तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये सुन लो भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। इसके पहले आपको बताया था जीरो विल सॉल्व, जीरो विल सॉल्व मतलब कि एक भी इंसान उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए। ए नहीं कर पाता है पी ऑफ ए बार, बी नहीं कर पाता है पी ऑफ बी बार, सी नहीं कर पाता है पी ऑफ सी बार। अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रॉबिलिटी 1/2, नहीं करने की होगी 1-1/2 मतलब कि 1/2। बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है 1/3, नहीं करने की होगी 1-1/3 मतलब कि 2/3। सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है 1/4, नहीं कर पाता होगा 1-1/4 मतलब कि 3/4। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1-1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1/4, ठीक है, खट 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 खट, और इसको थोड़ा सॉल्व कर तो कितना आ जाएगा 3/4। तो अब देखो ये थोड़ा फटाक से सॉल्व हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन इस वाले वीडियो के, ये रहा क्वेश्चन 1 जिसका सॉल्यूशन है। और ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3-स्टार प्रॉब्लम है वो। इत्मीनान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछिएगा। अब हम लोग चलते हैं इस वाले वीडियो के क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसे मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है देर आर 3 प्रॉब्लम्स P1, P2 एंड P3। क्वेश्चन समझा रहा हूँ एक बार सुन लीजिए, देर आर 3 प्रॉब्लम्स P1, P2 एंड P3। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट का नाम है ए, कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इज 1/3, 1/2 एंड 2/3 रिस्पेक्टिवली। अनदर स्टूडेंट बी कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स विद प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3, 3/4। What is the probability that? अब इसके दो केसेस हैं, ये दोनों केसेस के अलग अलग आंसर आएंगे, आप दोनों केसेस सुन लीजिए। ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, एट लीस्ट 1 प्रॉब्लम विल सॉल्व। एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, इतना से सुन लो। जैसे इसके पहले एक प्रॉब्लम थी, अ प्रॉब्लम थी, इस वाले क्वेश्चन पे 3 प्रॉब्लम है, 1, 2, 3। जैसे इसके पहले 3 स्टूडेंट थे ए बी सी, इस वाले में 2 स्टूडेंट है ए और बी, ठीक है। तो ए जो है प्रॉब्लम P1 को सॉल्व कर लेता है उसकी प्रॉबिलिटी 1/3, प्रॉब्लम P2 को कर लेता है 1/2, और प्रॉब्लम P3 को कर लेता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। बी जो है प्रॉब्लम P1 को सॉल्व कर लेता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, P2 को कर लेता है 1/3, और P3 को कर लेता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। अब वो आपसे कह रहा है कि तो फिर इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि तीनों की तीनों प्रॉब्लम मतलब कि P1, P2, P3 तीनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। ये हो गया एक केस। और दूसरी प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कम से कम एक प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, ये हुआ दूसरा केस। आगे बात पकड़ में, तो आपको ये दोनों केसेस जो है ना सॉल्व करने हैं। अभी मैंने जो ये सिखाया है ना, ये जो आपने सीखा ना अभी इस तरफ, उसको इसमें लगाइए भाई, अभी तुरंत वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर कमेंट सेक्शन पे डालो, और फिर उसके बाद वीडियो रन करो और उसका सॉल्यूशन देखो, तब आएगी आपको लर्निंग। ये इसी का ही एप्लीकेशन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, 5-स्टार प्रॉब्लम है ये, आपको आनी चाहिए। एक बार खुद से आप कोशिश करके देखो, मैं यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ, सुनते जाइएगा। चलो जरा सुनते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब की बार अपने पास 3 प्रॉब्लम है, P1, P2, P3, ठीक है। ए जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है 1/3, 1/2, 2/3। बी जो है सॉल्व कर लेता है 1/2, 1/3, 3/4, 1/2, 1/3, 3/4, ठीक है। अब वो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये सुनो, फर्स्ट वाला केस कहता है ऑल प्रॉब्लम विल सॉल्व व्हेन P1, P2, P3 विल सॉल्व। अब ये इनटू क्यों किया हूँ समझ गए हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि P1, P2 और P3 तीनों सॉल्व होना चाहिए। प्लस कर दूंगा तो क्या करना पड़ेगा, या P1 हो या P2 हो या P3 हो, तीनों को सॉल्व करवाना है, इसलिए इनटू करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब प्रॉब्लम P1 विल सॉल्व। अभी बताया था कि कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व मानी जाती है, अभी बताया था ये क्वेश्चन 1 में, when at least one will solve, और ये at least one क्या होता है
अभी अभी सिखाया था, वो होता है टोटल माइनस ज़ीरो। ठीक है, नाउन क्या है मेरे पास, ज़ीरो विल सॉल्व। ठीक है, तो अभी कंटेंट है प्रॉब्लम पी वन का, तो टोटल प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, वन माइनस ज़ीरो विल सॉल्व, मतलब कि ए भी ना कर पाए और बी भी ना कर पाए। ठीक है, ये किसकी बात चल रही है भाई, प्रॉब्लम पी वन की बात चल रही है। तो अगर जो है ए ना कर पाए, तो ए प्रॉब्लम पी वन को कर लेता, उसकी क्वालिटी है वन बाई थ्री, नहीं कर पाता होगा वन माइनस वन बाई थ्री। बी प्रॉब्लम को कर लेता है वन बाई टू, नहीं कर पाता होगा वन माइनस वन बाई टू। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा टू बाई थ्री, वन बाई टू कैंसिल कैंसिल वन बाई थ्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टू बाई थ्री। तो प्रॉब्लम पी वन सॉल्व हो जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी है टू बाई थ्री। देखो आया समझ में, ठीक है, तो वो यहां पे लिखा जाएगा, आया कंटेंट समझ में। अब भी अगर आपने प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया होगा ना, तो अब भी दिस इज अ गोल्डन चांस, आप अभी वीडियो पॉज करो, जैसे मैंने P1 के लिए पूरा प्रोसेस आपको करके बताया ना, अब ऐसा P2 और P3 के लिए करके देखो, थोड़ा बहुत भी एक्टिविटी करोगे ना मज़ा आने लगेगा। सिर्फ मेरा सॉल्यूशन सुनोगे और अपना लिखोगे, सॉल्यूशन सुनोगे अपना लिखोगे, तो जितने क्वेश्चन मैं करूँगा उससे मेरे को आएगा, आपको कुछ नहीं आएगा, जो आप करेंगे उससे आपको आएगा। तो थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, ठीक है, जैसा मैंने P1 के लिए किया है, वीडियो पॉज करो, अभी तक अगर सॉल्व नहीं किया तो वही सेम काम P2 और P3 के लिए कीजिए, अभी तुरंत कीजिए। गॉट इट, आई होप कि आपने अब तो कम से कम कर लिया होगा, आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। मैं सेम यही काम अब मिटा कर ना P2 के लिए करने वाला हूँ, तो जब मेरे को P2 के लिए करना होगा, तो यहाँ से मैंने रफ किया, इसे लिखा P2, इसे कॉपी कर लीजिएगा, मिटाने वाला हूँ, तो यहाँ पर आएगा P2 और यहाँ पर आएगा P2। ठीक है, तो P2 के कंटेक्स्ट में A P2 को कर लेता है 1 बाई टू, नहीं कर पाता होगा 1 माइनस 1 बाई टू। B P2 को कर लेता है 1 बाई थ्री, नहीं कर पाता होगा 1 माइनस 1 बाई थ्री, तो 1 माइनस 1 बाई टू अगेन 1 बाई टू, 2 बाई थ्री कैंसिल कैंसिल 1 बाई थ्री आ गया 2 बाई थ्री, तो इसका फिर से 2 बाई थ्री ही आ रहा है, ये हो गया P2 का। ठीक है, कॉपी कर लीजिए P3 के कंटेक्स्ट में, मिटाने वाला हूँ P3 के कंटेक्स्ट में, पहले कर लो भाई कॉपी, एक बार मैं हट जाता हूँ। ठीक, अब P3 के कंटेक्स्ट में सुनो, P3 के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पर आ जाएगा P3, यहाँ पर आ जाएगा P3, got it? तो P3 प्रॉब्लम को A कर लेता है 2 बाई थ्री, नहीं कर पाता होगा 1 माइनस 2 बाई थ्री। P3 प्रॉब्लम को B कर लेता है 3 बाई फोर, नहीं कर पाता होगा 1 माइनस 3 बाई फोर। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो कैसे दिखाई देगा, 1 माइनस विच इज 1 बाई थ्री इंटू 1 बाई फोर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, ये आ जाएगा 11 अपॉन 12, तो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा 11 अपॉन 12। देखो समझे, आ गई बात समझे, अब जो कट रहा है उसे काट लो, तो ये हो जाएगा 4 4 3 जा 11 बाई ट्वेल्व, ठीक किया मैंने 2 बाई थ्री 3 बाई फोर 1 बाई थ्री 1 बाई फोर 12 11 बाई ट्वेल्व। ठीक है, तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 11 अपॉन 27 मेरा ख्याल आना चाहिए, 11 अपॉन 27 केस ए का सही जवाब है, ये जो केस ए है ना, इसका सही जवाब है 11 अपॉन 27, ये है उसका सॉल्यूशन। आप पूरा इत्मीनान से कॉपी कीजिए इसे, ठीक है, आई होप कि आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं केस नंबर बी की तरफ, केस नंबर बी की तरफ, केस नंबर बी क्या कहता है वो सुन लीजिए। केस नंबर बी में लिखा हुआ है एटलीस्ट वन प्रॉब्लम विल सॉल्व, अभी भी बताया था एटलीस्ट वन कैसे होता है, अभी तक नहीं किया तो अभी पॉज करो, तुरंत करो, अभी करो कम से कम, एटलीस्ट वन प्रॉब्लम विल सॉल्व। एटलीस्ट वन क्या होता है, टोटल माइनस ज़ीरो विल सॉल्व, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वन माइनस ज़ीरो प्रॉब्लम विल सॉल्व। ज़ीरो प्रॉब्लम विल सॉल्व कहने का मतलब है कि P1 भी सॉल्व ना हो, P2 भी सॉल्व ना हो और P3 भी सॉल्व ना हो, ऊपर बार क्यों लगाते हैं सर आप, सॉल्व हो जाए उसके लिए P1, सॉल्व ना हो पाए P1 बार और क्या। चलो यहाँ देखते हैं, P1 सॉल्व हो जाता, अभी भी निकाल के दिया था, P1 सॉल्व हो जाता उसकी प्रॉबल्टी है 2 बाई थ्री, तो नहीं होता होगा 1 माइनस 2 बाई थ्री। P2 सॉल्व हो जाता उसकी है 2 बाई थ्री, नहीं होता होगा 1 माइनस 2 बाई थ्री। P3 सॉल्व हो जाता 11 बाई ट्वेल्व, नहीं होता होगा 1 माइनस 11 बाई ट्वेल्व, पता चल रहा है,
वन माइनस क्यों करते हैं सर? आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो केस जिसमें वो हो जाता है उसे हटा देता हूँ, तो बचता उसमें नहीं होता वो, और क्या। तो ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, वन बाई ट्वेल्व। ठीक चल रही कैलकुलेशन? सो ये हो जाएगा ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स थ्री जा वन जीरो एट। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन ज़ीरो सेवन अपॉन वन ज़ीरो एट, ये इसका राइट आंसर है। ठीक, कंफर्टेबल है अपन? ये हो गया केस बी का सही जवाब। ओके डन। ठीक है भाई, तो मैंने क्या किया इस वाले लेक्चर में, आप इसे इतना आंसर कॉपी कर लीजिए। इसमें मैंने एक बढ़िया वाली प्रॉब्लम ली है और उसके दो पैटर्न आपको करवा दिए। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा आती है, आपको इसके लिए पूरी कोशिश करनी है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी एडवांस प्रॉब्लम के साथ, बने रहिएगा।